इस दिवाली मारुति सुजुकी आपकी कंफ्यूजन को डबल करने वाली है। साथ में अपनी 4 मीटर के कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट की जो मार्केटिंग है ना उसको टाइट भी करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्च की जाने वाली है बलेनो क्रॉस को, जो भाई आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा वाला कंफ्यूजन पैदा कर देगा। बरेजा और बलेनो क्रॉस के बीच पर क्वाय सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन भी यही दोनों के बीच पर रहने वाला है। वो भाई दोनों ही कार्स एक ही कंपनी की है, भाई जो कॉम्पिटिशन हो किसी भी तरीके से है, फायदा तो मारुति सुजुकी कंपनी को ही होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसका की प्राइस की, तो प्राइस अराउंड रहने वाली है बलेनो से 30-40 हज़ार रुपये, यहाँ पे मैक्सिमम 50 हज़ार रुपये ज़्यादा। तो गाइस आप सभी लोगों को प्राइस पर ज़्यादा इंक्रीज देने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर ये एक बिल्कुल अलग से सेगमेंट वाली कार है। बस इसका नाम और भाई जो प्लेटफॉर्म है ना वो भाई बलेनो से मैच करता है, बाकी कुछ भी मैच नहीं करने वाली है। साथ में इसका की लेंथ भी 4 मीटर के अंदर रहने वाली, तो भाई इसका की जो टॉप मॉडल की कीमत है वो 9 लाख 50 हज़ार रुपए के अंदर रहने वाली है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बजट सेगमेंट वाली 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर इसका को लॉन्च किया जाने वाला है। दोस्तों यहां पर बात करें तो इस कार को भाई जनवरी 2023 पर लॉन्च किया जाएगा, और भाई जो दिवाली है ना दिवाली से ही इसका की खुशियां चालू हो जाएगी, क्योंकि इसका की बुकिंग भी चालू होने वाली है। और भाई इंडियन रोडों पर इसका को टेस्टिंग के दौरान 100 बल्कि 500 बार देखा जा चुका है, और भाई इसका की लॉन्चिंग ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को भाई ज्यादा इंतजार मारुति सुजुकी वैसे भी नहीं करवाती है। दोस्तों यहां पर बात करें इसका की प्री डिटेल्स की, तो सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आप सब लोगों को जो लुक मिलने वाला है ना वो काफी हद तक जो ग्रैंड विटारा हाल ही पर लॉन्च हुई थी ना हाइब्रिड वाली, गाइस सेम वही लुक आपको देखने को मिलेगा। जब भाई ऊपर की तरफ आपको ट्री एरो वाली जिसकी DRL देखने को मिलेगी जो LED फिटेड होगा, साथ में नीचे की तरफ आपको सब लोगों को प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। हाँ यहाँ पर LED फिटेड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ में बीच पर बड़ी सी ग्रिल दी जाएगी, भले ग्रिल की जो डिजाइन वो थोड़ी सी अलग है, और जो ऊपर तक की लाइटिंग दी गई है वो थोड़ी सी ज्यादा बॉर्डर की तरफ सटा दी गई है, बाकी जो लुक है ना वो काफी हद तक ग्रैंड विटारा से मिलती जुलती बनाई गई है। नीचे की तरफ आपको ब्लैक कलर की बंपर मिलेगी, और भाई टॉप मॉडल पर सिल्वर कलर की क्लैडिंग भी दे दी जाएगी। साथ में कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा, बाकी जो फ्रंट की लुक है ना वो भाई एक तरीके से आप बोल सकते हो वो ग्रैंड विटारा थी और ये स्मॉल विटारा है, मतलब गाइस काफी हद तक इसकी जो लुक है ना वो काफी ज्यादा मिलती जुलती आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो भाई साइड प्रोफाइल आगे की तरफ से आप सब लोगों को बलेनो वाली फील कराएगी, और पीछे की तरफ से क्रॉसओवर एसओबी वाली या फिर एक कूपे एसओबी वाली फील करवाएगी, जो भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा कमाल की भाई प्रीमियम वाली फील करवाने वाली, क्योंकि भाई कूपे एसओबी वो भी 10 लाख से नीचे वाले सेगमेंट भाई कमाल की बात है, मतलब जस्ट झकास वाली बात। तो यहां पर जो डोर हैंडल दिया गया है वो भाई साइड पर ही दे दिया गया है, मतलब गाइस यहाँ पर जो डोर हैंडल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण से इसकी लुक भाई खराब नहीं होती है, एक प्रीमियम और लंबी वाली कार की लुक यहाँ पर दे दी गई है। साथ में इस कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो मतलब आप सब लोगों को लगभग 180 to 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस डेफिनेटली मिल जाने वाली है। साथ में अलॉय व्हील के साइज को 1 इंच बढ़ा दिया गया है, लेकिन लुक बिल्कुल बलेनो वाली सेम दी गई है, मतलब अलॉय व्हील पर कोई डिफरेंस नहीं है। साथ में अगर रेयर की तरफ देखें तो भाई रेयर पर आपको सभी लोगों को LED फिटेड टेलेंस का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें भाई कनेक्टिंग वाली टेलेंस देखने को मिल रही है, लेकिन कनेक्टिंग वाली टेलेंस नहीं होगी बल्कि कनेक्टिंग वाली वह रिफ्लेक्टर होगा। तो यहाँ पर आप सब लोगों को बिल्कुल सेम आपको जो ग्रैंड विटारा ना उसका फील आने वाला है, लेकिन गाइस वो कार नहीं आने वाली है, उससे काफ़ी नीचे रहने वाली है कार, लेकिन गाइस फील आपको काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार आने वाली है। बाकी जो पीछे की तरफ जो लुक है वो बिल्कुल एक बेहतरीन और कूपे एसयूवी वाली फील आप सब लोगों को देने वाली, जो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल की और अट्रैक्टिव भी लग रही है। बाकी बात करें इसका कि इंटीरियर की, भाई इंटीरियर ऑलमोस्ट जो बलेनो आती है ना, मतलब जो नई वाली बलेनो आई है बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट सेम इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बिल्कुल सेम डबल टोन इंटीरियर देखने को मिलेगा, और भाई फैब्रिक सीट्स वगैरह होंगी, लेदर सीट्स आप सब लोग 10 लाख के नीचे आप एक्सपेक्ट नहीं करो तो बेहतर है, और अगर एटलीस्ट अगर कंपनी दे दे भाई क्या ही बात करें, मतलब मजा ही आ जाएगा। साथ में जो बलेनो पर जितने भी फीचर आप सब लोगों को एक्स्ट्रा मिली थी, लाइक 360 डिग्री कैमरा, 9 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में हेडसअप डिस्प्ले, स्टैंडर्ड मॉडल से 6 एयरबैग और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वो भाई बिल्कुल सेम वो सभी फीचर इस कार पर मौजूद होने वाली है। साथ में ये 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है, तो क्या आप सब लोगों को जो स्पेस है और हेडरूम अगर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलेगी, लेकिन अगर रियर पर आप सब लोगों को जो फील आएगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आएगी, क्योंकि बस यहाँ पर ये इस कार को बनाया गया एक कूपे एसयूवी का फील दिया गया। इसके साथ में इस कार के इंजन की बात करें तो मारुति सुजुकी अपने के सीरीज के इंजन पर एक नए इंजन को ऐड करने वाली है, जो भाई 1 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन है, और ये जो इंजन है ये सबसे पहले आपको बलेनो क्रॉस पर ही देने को मिलेगी, जिसमें आपको 103 BHP की पावर और 150 Nm तक का टॉर्क होगा, जो भाई माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आएगी, मतलब आप सब लोगों को 20 से 25 KMPL तक की माइलेज डेफिनेटली इस कार पर देने को मिलेगी। मतलब गाइस बलेनो क्रॉस जो है ना वो काफ़ी हद तक ब्रेजा से काफ़ी कमाल की होने वाली है, और काफ़ी हद तक जो ब्रेजा है वो भाई बलेनो क्रॉस
कैमरों से बेहतरीन होने वाली है, मतलब दोनों ही अपनी जगह पर काफ़ी कमाल के होने वाली है भाई। बेसिकली अगर आपको पैसे बचाने हैं और एक एसयूवी वाली फील लेनी है तो आप बलेनो क्रॉस के साथ में जा सकते हो, बाकी आप सब लोग ब्रेजा के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि गाइस अभी के टाइम पर ब्रेजा को ज़्यादातर लोग जो है रेंज रोवर बनाने पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आपको नई बलेनो क्रॉस, आप सब लोगों की क्या राय है, और भाई इस कार को लेकर जो भी सजेशन है जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से भर देना। बाकी फिलहाल वीडियो में इतनी, आई होप की वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।